हेलो योगीज, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये आपको खुद पे संयम लाना सिखाता है और जैसे कि आपको पता होगा, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका 50% हमारा ब्रेन और हमारा लीवर ले लेता है। तो जब हम ये प्राणायाम करते हैं, इसमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से जाती है, जिससे हमारा लीवर और माइंड को ऑक्सीजन और अच्छे लेवल पे मिलती है और वो और भी हेल्दी हो जाता है और भी अच्छे से काम करता है। और अगर हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा, हमारा लीवर अच्छे से काम करेगा, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो हमारी यहीं पे सॉल्व हो जाती है। जो हमारी बीमारियां आने वाली होती है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। इस प्राणायाम के और भी सारे बेनिफिट हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अभी हम इस प्राणायाम को करना सीखते हैं। तो ये जो प्राणायाम है, जब इसमें हम सांस को लेते हैं या सांस को छोड़ते हैं, तो हमारे गले का यूज होता है। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि इस प्राणायाम को करते हुए, सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए एक ध्वनि निकलती है। वो ध्वनि हमें हमारे माइक के कारण आपको सुनाई देती है। जब आप खुद से करेंगे तो वो ध्वनि नहीं निकलेगी, जब आप आंखें बंद करके फुल फोकस करेंगे तब आपको वो सुनाई देगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसमें सांस को लेना कैसे है। उज्जायी प्राणायाम करने के लिए हमें गले को टाइट करके सांस को लेना होता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसके बाद आप मेरे साथ करिएगा। इसमें आपने देखा आवाज नहीं निकली, बस हमें गले को अपने थ्रोट को टाइट करना है और धीरे धीरे सांस को अंदर फील करते हुए, हर एक सांस को जैसे जैसे आपके अंदर आएगी आंखें बंद करके उसको फील करना है। जब आप आंखें बंद करके उस पर फोकस करेंगे तो आपको एक वैसी ही ध्वनि सुनाई देगी आपकी सांसों की, जैसे कि समुद्र में जब हवाएं चलती हैं तब उसकी ध्वनि होती है। एक बार आप मेरे साथ करिए। ये तो हो गया सांस को लेना। अब इसके बाद हमें सांस को अपने अंदर 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सांस लेंगे और फिर 5 सेकंड के लिए अपने अंदर उसको होल्ड करेंगे। इस तरीके से मैंने गर्दन को नीचे करके ज्वलंती बंद्र लगाया, जिससे क्या होता है, यहाँ पे एक बंद लग जाता है जिससे आपकी सांस वापस नहीं आ पाती है या ना अंदर जा पाती है, एक बंद लग जाता है। ये ज्वलंती बंद्र लगा के आपको 5 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकना है। इसको आप दोबारा देखिए, पहले सांस को लिया, बाहर कैसे छोड़ना है। सांस में जिस तरीके से आप अनुलोम विलोम करते हैं, इस तरीके से राइट साइड से बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसका भी एक कारण है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं ये पूरा एक बार में कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि सांस को लेंगे कैसे, कैसे होल्ड करेंगे और फिर कैसे छोड़ेंगे। तो सबसे पहले एक डीप ब्रीथ, पहले अपने आप को पूरा काम करें। अब स्टार्ट करते हैं। छोड़ना भी धीरे धीरे है, जिस तरीके से आपने ब्रीथ को अंदर लिया है उसी तरीके से आपको ब्रीथ को बाहर छोड़ना है। ये हुआ एक राउंड। इसमें जो ब्रीथिंग होती है काफी इंटेंस होती है, इसलिए आप एक राउंड कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा रुके और उसके बाद दूसरा राउंड करें। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में 5 राउंड करने हैं, अगर आप बिगनर है और आपने आज ही उज्जायी प्राणायाम करना सीखा है। तो ऐसा आप 10 दिन तक करिए। 10 दिन के बाद आप इसको बढ़ा के 10 बार 20 बार भी कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा पहले भी किया हुआ है उज्जायी प्राणायाम, अगर आप काफी टाइम से कर रहे हैं, तो आप एक टाइमर लगा के 10 से 10 मिनट तक उज्जायी प्राणायाम कर सकते हैं। अभी आप एक बार मेरे साथ करिए, शुरू से लेके लास्ट तक एक राउंड हम पूरा कंप्लीट करेंगे एक साथ में। स्टार्ट करते हैं।
ये हुआ पूरा एक राउंड। हमारी जो नाकों के दोनों छेद हैं, हमारा जो लेफ्ट साइड है वो है सूर्य नाड़ी और जो राइट साइड है वो है चंद्र नाड़ी। इस प्राणायाम को करने से जैसे कि मैंने आपको बताया काफी इंटेंस ब्रीथिंग होती है, तो जब आप इसको एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है और वो हीट ज्यादा ना हो इस वजह से बैलेंस के लिए लेफ्ट साइड से, जिससे आपकी बॉडी काम हो जाए, बॉडी रिलैक्स हो जाए, इसलिए लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ा जाता है जिससे आपकी बॉडी काम डाउन हो जाए, आपकी बॉडी में शीतलता आए, जो अंदर हीट जनरेट हुई है वो बाहर निकल जाए। तो ये एक राउंड हुआ। अब ऐसे आपको 5 राउंड करने हैं अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। प्राणायाम को करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला तो अगर आपने देखा होगा जब आप गले को टाइट करके ब्रीथ लेते हैं तो पूरी एक तरीके से आपके गले की मसाज होती है, तो गले से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो वो सही हो जाता है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम भी इससे खत्म हो जाती है। सांस को अंदर लिया और आपने देखा आपका जो चेस्ट है वो एक्सपैंड होता है, जो आपके जो लंग्स है वो एक्सपैंड होते हैं, तो उससे रिलेटेड लंग्स की प्रॉब्लम भी इससे ठीक हो जाती है और जो लंग्स का इन्फेक्शन होता है वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप सांस लेते हो तो 50% हमारा माइंड ले लेता है और हमारा लीवर ले लेता है, तो उसको भी ऑक्सीजन मिलती है, अच्छे से मिलती है, तो हमारा जो ब्रेन है और हमारा लीवर भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये हमारे स्पाइन के लिए अच्छा है क्योंकि इसको करते हुए हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, माइंड के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है और नोज के लिए जिसको साइनाइस की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक हो जाती है। बट इसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी होगी। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कभी भी आप कोई प्राणायाम करते हैं या कोई भी योगा स्टार्ट करते हैं तो इसलिए मत करिए कि आपको कोई बीमारी को खत्म करना है या बीमारी से निजात पानी है इसलिए आप कर रहे हो। तो हमें एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए और इसको हमें रेगुलर करना चाहिए। हमें रेगुलर योगा इसलिए करना चाहिए कि आने वाले टाइम में हमें ये सारी बीमारियां ना घेरे। हमें कभी भी ये सोच के योगा नहीं करना चाहिए कि ये सारी बीमारियां खत्म हो जाए। इसमें बहुत असर पड़ता है, लेकिन हमें क्यों वेट करना है कि कोई बीमारी हमें हो उसके बाद हम ये करें। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बिजी लाइफ में एक हाफ एन आवर अपने लिए निकालिए जो भी टाइम सुटेबल हो। योगा का एक बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। बस जो आपका स्टमक है उस टाइम खाली होना चाहिए या फिर आपने खाना खाया है तो 2 से 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब जब आप योगा कर रहे हैं तो उस टाइम आपको एम्प्टी स्टमक चाहिए। तो योगा को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करिए और स्वस्थ रहिए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर रिप्लाई करूंगी। आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।